हम सीधा चलते हैं मौरी गेट। इस वक्त दिल्ली के मौरी गेट में अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं वहां पर जायजा लेने के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने आई हैं, तो जिस तरह से देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में इस वक्त मुख्यमंत्री खुद भी और साथ ही साथ अपने मंत्री को उन्होंने डिप्लॉय किया कि किसके हिस्से में कौन सा इलाका है। और इस वक्त जो मौरी गेट इलाका है वहां पर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में आप समझ सकते हैं कि 10 तारीख से ही लगभग पानी बढ़ना शुरू हो गया था, 11 तारीख को भी वहां पर पानी देखने को मिला था, काफी भर गया था। लेकिन उसके बावजूद जो कहते हैं ना कि राहत और बचाव का काम होता है या फिर रिलीफ कैंप्स लगाने का जो काम, काफी लेट शुरू हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा कि मयूर विहार में भी लोग नाराज थे। और लोगों का यही कहना है कि पर्याप्त उपाय जो होने चाहिए थे पर्याप्त उपाय भी नहीं किए गए, कोई सहायता भी नहीं की गई और बहुत देरी से वहां पर कैंप्स लगाए गए। कई बार तो लोग खुद ही जो मयूर विहार में रहते थे खुद ही लोग निकल कर आए, उन्होंने अपने अपने टेंट्स लगाए और अपना रहना शुरू कर दिया, सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया था। और यही गुस्सा इस वक्त मयूर विहार में फूटता नजर आया। बहरहाल एक रिलीफ कैंप में पहुंचे हैं मौरी गेट में इस वक्त अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने अपने जो 6 मंत्री हैं उनके सभी मंत्रियों को अलग अलग हिस्से उन्होंने दे दिया है और सभी मंत्रियों से कहा है कि वो लगातार अब जाकर ग्राउंड पर जाकर जो रिलीफ वर्क हो रहा है उसका ध्यान रखें। और ऐसे में जब सौरभ भारद्वाज आज मयूर विहार गए तो उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है कि जब इतना लंबा वक्त लोगों को परेशानी होगी, उनका ये कहना था कि खाना पीना भी ठीक से नहीं मिल रहा है और साथ में सबसे ज्यादा लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो है आपकी शौच की, क्योंकि कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि ऐसे ही हालात में आपको अब आपको हम सुनाते हैं कि आखिरकार सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। उनका विरोध कर दें, उनको उन शिविरों तक ना जाने दें, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे कि जब ग्रेटर कैलाश का विधायक आ रहा है, जब कालका जी से विधायक आतिशी आ रही हैं, तो इनके अपने सांसद कहाँ गायब हैं। इसलिए इस तरीके की राजनीति आज देखी जा रही है कि एक मंत्री दिल्ली सरकार द्वारा लगाए हुए शिविरों में जा रहा है और महिला कार्यकर्ताओं को बीच में डाल के उनको रोका जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ हैं। अरे हमारे ही सरकार के शिविर लगे हुए हैं, हमारी ही सरकार के डॉक्टर वहां बैठे हुए हैं, हमारी सरकार वहां पे खाना दे रही है और आप कह रहे हैं कि आप जो है दिल्ली सरकार के मंत्रियों को वहां नहीं जाने देंगे। और मैं एक बात बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की DDA ही है और LG साहब ही हैं जिनके इशारे पे कई बार इन गरीब लोगों को दिल्ली के अंदर उजाड़ा गया है। आज ये लोग गरीब लोगों के हिमायती बन रहे हैं, मगर लोग सब जानते हैं, जनता सब समझती है। तो यहां पर आप सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे जो सफाई दे रहे थे। आखिरकार जब वो गए थे मयूर विहार तो उनके ऊपर कहा जाता है कि जिस तरह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, उनके सामने चोर चोरी के नारे लगाए, तो उनका वो जवाब दे रहे थे और वो BJP के ऊपर इस सारे आरोप मढ़ रहे थे। वैसे दिल्ली वाले मुसीबत में है लेकिन केजरीवाल के मंत्री अपनी सियासत चमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के मंत्री से लेकर आपके तमाम नेता पिछले 2 दिन से दिल्ली में सैलाब के लिए BJP को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज दिल्ली की मंत्री आतिशी SDM से भिड़ गई। आतिशी आज लोहे के पुराने पुल के पास बने राहत शिविर में जायजा लेने पहुंची थी लेकिन कैंप के अंदर पानी भरा होने से और बेड नहीं लगा होने की वजह से लोग भड़क गए थे और वहां पर मौजूद SDM को लेकर लेक्चर देने लगी। आतिशी ने क्या कहा, SDM ने उन्हें क्या जवाब दिया, आपको खुद सुनाते हैं। SDM साहब, ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, आपके रिलीफ कैंप के अंदर पानी भरा हुआ है, बताइए। पर यहाँ पे अगर आप लोगों के लिए बिस्तर का इंतजाम नहीं करेंगे कि अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बेडिंग अरेंजमेंट कर देता हूँ। 4 दिन से ये लोग यहाँ पे हैं, 4 दिन से, पर आपको ये नहीं लगा कि इनके लिए बिस्तर का अरेंजमेंट कर दें? बताइए। तो आप देख रहे हैं कि 5-6 दिन बाद अब जो तमाम मंत्री हैं वो अब उतरे हैं जमीन पर और लगातार अब रिलीफ कैंप का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल बैठक की थी जिसके बाद सभी मंत्रियों को अब जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग इलाकों की। और इसी के मद्देनजर आतिशी पहुंची थी लोहा गेट के पास बने एक रिलीफ कैंप में, जहां पर उन्होंने SDM को फटकार लगाई और कहा कि जो राहत। इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा जुड़ गई हमारे साथ ITO से। गोनिका, फिलहाल आपने जहां जहां मुआयना किया या फिर आप जहां जहां गई रिपोर्टिंग के लिए, फिलहाल क्या आपको हालात नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ITO में क्या बराज जो खुलने थे चारों ओर गेट खोल पाई है?
देखिए अमित, अभी भी जो 5 गेट बंद थे उसमें से 1 गेट खोल दिया गया है, जो कि 24 घंटे जिस गेट को लगे थे, और बाकी के 4 गेट अभी भी बंद हैं। उन्हीं 4 गेट्स को खोलने की मशक्कत लगातार जारी है। 1 गेट 24 घंटे में खुला, जो इस वक्त आपको पहला गेट दिखाएं, इस पहले गेट को खोलने में 24 घंटे का वक्त लगा। आर्मी की टीम यहाँ पर डिप्लॉयड है, नेवी की टीम यहाँ पर डिप्लॉयड है, नेवी के 15 जवान यहाँ पर है, लेकिन अभी भी जो बाकी गेट्स हैं उनको खोलने के लिए अभी वक्त लग रहा है। वो वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि गेट्स काफी नीचे तक बंद हैं, उसके बाद उनमें सिल्ट जमा हुआ है। उन सिल्ट को यानी कि मड को कैसे निकाला जाए, कंप्रेसर की मदद से उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा किसी का कुछ गॉज खराब है, इसके अलावा कोई ऐसा गेट है जो कि कितने सालों से नहीं खुला जिसकी वजह से उसको खोलने में दिक्कत आ रही है। इन सारे चैलेंजेस को पार करते हुए इस वक्त टीम जहां पर काम कर रही है, एक आपको टीम यहां पर दिखाई देगी नेवी की, जो कि इस वक्त इस बोट में सवार है, और एक गोताखोर इस वक्त नीचे है जो कि 35 से 40 फीट नीचे जाकर ये देख रहे हैं कि आखिर क्या सबसे ज्यादा मुश्किल आ सकती है। इस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाकर और नीचे डाइव कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर ये भी है कि पूरा पानी मडमैला है जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो जीरो हो जाती है। लेकिन जो नेवी के जवान है वो इसीलिए उनको इसी की तैयारी दी जाती है कि बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी में भी वो काम कर पाए, और इसीलिए वो लोग नीचे जाकर चेक कर रहे हैं कि कैसे इन गेट्स को खोलने में क्या क्या दिक्कत आ रही है। इसके अलावा एक हाइड्रोक्रेन ऊपर लगाई गई है जो कि सेकेंड गेट के लिए लगाई गई है, सेकेंड गेट को कैसे भी पुल अप करके खोला जाए, लेकिन अभी भी बहुत वक्त लग रहा है। कल सुबह से ये काम शुरू हुआ था और अभी सिर्फ 1 गेट खुला है, बाकी 4 गेट्स को खोलने का काम अभी बाकी है, क्योंकि जो गेट्स बंद है उनके पानी जो आ रहा है वो पानी बैक हो रहा है, यानी कि बाकी गेट से पानी सीधा निकल रहा है लेकिन उन गेट्स पर पानी ठहर जा रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है पानी की निकासी में। हालांकि अब वाटर लेवल काफी कम हो गया है, लगभग 5 से 7 फीट वाटर लेवल कम हुआ है, लेकिन अभी भी अगर ये 4 गेट्स और नहीं खुलते हैं तब भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर बारिश और आती है, पीछे से पानी अगर और आता है आने वाले दिनों में, तो कम से कम उसके लिए तैयार रह पाए। ब्रिज के ऊपर आप देख रहे हैं इस वक्त वहां पर हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी तैनात है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, इसके साथ साथ आर्मी और नेवी के जवान हैं वो ऊपर हैं, और वो इस वक्त यहां पर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पूरे जगह का मुआयना करके उन गेट्स को खोलने की कोशिश की जाए। अब हम आपको ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे कि अगर जहां से भी नजदीकी से हम आपको व्यू दिखा पाए कि इस वक्त ITO बैराज पर क्या काम चल रहा है, क्योंकि ये जो ITO बैराज है ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर आता है। हरियाणा गवर्नमेंट ने इस बैराज को बनवाया था और इसका जो काम है वो हरियाणा गवर्नमेंट को ही करना है, इसीलिए हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर तैनात है, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। अब आपको ऊपर की तस्वीर दिखाएं, यही सीढ़ियों से आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से किस तरह काम चल रहा है। यहाँ पर एक बड़ी सी हाइड्रोक्रेन यहाँ पर लगाई गई है, और इसके अलावा ऊपर की तरफ जो बड़ी सी रस्सी की मदद से कोशिश की जा रही है कि कैसे भी उन गेट्स को खींचकर खोला जाए, क्योंकि पूरा ब्रिज आप देख रहे हैं, इस पूरे ब्रिज पर आपको तमाम जवान तमाम ऑफिशियल्स तैनात दिखाई देंगे। यहाँ पर बड़ी क्रेन लगाई गई है, एक तरफ के रोड को भी बंद कर दिया गया है ताकि मुश्किल ना आ पाए इस पूरे काम में, लेकिन अभी भी चुनौती सबसे बड़ी यही है कि कैसे भी इसको खोला जाए। थोड़ा सा आपको अंदर जाके दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हालांकि रोका जा रहा है क्योंकि इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, काफ़ी और मुश्किल आ सकती है उनके काम में भी, ऐसे में खतरा भी हो सकता है ऊपर जाने का, इसीलिए यहाँ पर रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाई जाए किस तरीके से वहाँ पर आर्मी और नेवी के जवान तैनात हैं, ऑफिशियल्स तैनात हैं, और कोशिश लगातार ये की जाए, दिन रात ये काम हो रहा है ताकि जल्द से जल्द इन गेट्स को खोला जाए, ताकि अगर आने वाले दिनों में और बारिश और पानी आता है तो फिर कहीं और मुश्किल ना आ जाए, पानी दोबारा से ITO के इस बराज पर ना रुक जाए। और ये दरअसल बराज इसीलिए बनाया गया था ताकि जो पानी हरियाणा की तरफ जाता है उसको ITO पर ही पहले रोक दिया जाए, क्योंकि यहाँ से पानी आगे वजीराबाद और उसके आगे ओखला और उसके बाद हरियाणा में एंटर करता है, इसीलिए ये जो पूरा बैराज है वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया ताकि पानी को पहले यहीं। आपने हमें तस्वीर दिखाई किस तरह से जो नेवी के जवान हैं और साथ ही साथ जो नेवी के जो डाइवर्स यानी कि जो गोताखोर हैं इस वक्त लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ITO ब्रांच है उसके जो 5 गेट है जिसमें से एक को तो खोल लिया, बाकी 4 को खोलने की कोशिश की जा रही है उसमें लगे हुए। साथ ही हमने देखा कि जो गोनिका ने तस्वीर दिखाई ऊपर भी यहाँ पर आर्मी के इंजीनियर्स के जो जवान है वो मौजूद है, तो आर्मी नेवी सब मिलकर इस वक्त क्या काम कर रहे हैं। गोनिका नजर आप बनाए रखें, हम आगे आपके पास अपडेट के लिए आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।